Good morning children, today we learn AVS subject. See page number 151 और हमारा chapter 10th the world of animal यानी animals का जो हमारे हमारे पूरी world में जो animals है वो यानी कितने animals है, क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं पीते हैं, वो हम सब सीखेंगे. Animals and their food, वो क्या खाते हैं वो हम सीखेंगे. Uses of animals, यानी animals हमको क्या उपयोग में आते हैं. Protective animals, ओके, यानी protective animals कौन कौन से कहलाते हैं वो सब हम आज सीखेंगे. Identify the animals, write their name and place where they live, वो कहाँ रहते हैं और वो उसका नाम क्या है वो हमको करना है. तो फर्स्ट ये कौन सा पिक्चर है, फिश. फिश कहाँ रहती है, वाटर में. ये बर्ड है, बर्ड कहाँ रहता है, ट्री पर. ये लायन है, लायन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में. ओके चिल्ड्रन, अवर अर्थ इज अ होम टू मैनी काइंड ऑफ एनिमल, हमारी जो पूरा अर्थ है वो बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स वहां पर उसके घर होते हैं. सम एनिमल्स आर बिग, कुछ एनिमल्स बिग होते हैं. सम एनिमल्स आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल, जरे यानी उसका जब दूसरे स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे होते हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट यानी जंगल. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ओके, वाइल्ड एनिमल्स उनको कहलाते हैं. सम दैट लिव ऑन फार्म्स और एट अवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. सी, जो जंगल में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल कहते हैं, और जो हमारे घर में हमारे फार्म में वहां पर रहते हैं हमारे आजू बाजू वो सारे कौन से एनिमल्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स. देर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट स्विम इन द वॉटर एंड फ्लाई इन द sky. See children, again madam read kar rahe. There are also animals that swim in the water and fly in the sky. यहाँ पर और भी animals होते हैं जो पानी में भी तैर सकते हैं और sky में उड़ भी सकते हैं. Okay? तो यहाँ पर हमारा जो वाइल्ड एनिमल है होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो नियर बाय हमारे घर हमारे फार्म में हमारे घर में भी रहते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलेंगे. ओके, देन आफ्टर टर्न योर पेज. एनिमल्स एंड देयर फूड, अभी एनिमल्स और उसका फूड हम देखेंगे. Animals eat different kinds of food. Animals अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं. Some of them hunt and eat the flesh of other animals. यानी some of them यानी इसमें से कुछ होते हैं hunt यानी शिकार करना and eat the flesh यानी उसका जो मांस होते flesh यानी मांस hunt यानी शिकार करना of other animals यानी दूसरे animals का उसको शिकार करते हैं और उसका मांस खाते हैं. Such animals are called flesh and eater. Flesh eater यानी मांस खाने वाले. Flesh यानी मांस, eater यानी खाने वाले. यानी मांस खाने वाले. For example, lion, tiger, etc. बहुत सारे animals होते हैं जो मांस खाते और दूसरे एनिमल्स के शिकार करते हैं और उसका मांस खाते. वो हमारे जैसे सब्जी और वो सब नहीं खाते, उनको बोलते हैं फ्लैश ईटर यानी मांस खाने वाले. ओके चिल्ड्रन, आपको भी चिल्ड्रन लर्न करना है, रीड करना है. एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सम ऑफ देम हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. Such animals are called flesh eater. For example, lion, tiger, etc. See, यहाँ पर देखो lion और tiger दिया हुआ, ये flesh eater है. अभी दूसरा, some animals eat only plants. कुछ animals होते हैं जो जंगल में रहते हैं और वो सिर्फ plants खाते हैं.
leaves and grass. Plant leaves and grass खाते. They are called plant eater. जो plants, leaves और grass खाते हैं वो सारे children कहलाते हैं. Okay? Grass सब खाते हो plant eater कहलाते हैं. For example, cow, elephant, giraffe, etc. Okay, वो सारे क्या कहलाते हैं? Plant eater कहलाते हैं. वो सिर्फ plant खाते हैं. वो कोई animal को मार कर उनका flesh खाते नहीं, यानी मांस खाते नहीं. सिर्फ plant, leaves and grass खाते हैं. तो जो plant, leaves और grass खाते हैं वो plant eater कहलाते हैं. फिर ये देखो giraffe और elephant. अभी आगे There are also animals that eat both. यानी both यानी दोनों. कौन सा? ये और ये दोनों खाते हैं. यानी पत्ते भी खाते हैं, leaves भी खाते हैं, grass भी खाते हैं और animal भी खाते हैं. There are also animals that eat both plants and animals. यानी plants और animals दोनों खाते हैं. For example, bats, crows and frogs. Okay? वो सारे होते हैं, वो दोनों खाते हैं. वो पत्ते, ग्रास, वो सब भी खाते हैं और एनिमल मार को भी मारकर भी खाते हैं. सब एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ओके, कुछ एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, यानी मरे हुए प्राणी को खाते हैं. दे आर कॉल्ड scavengers, vultures and jackals. Hyenas are such animals. ये देखो ये रहे. ये सारे animals क्या करते हैं? जो मरे हुए animals होता है ना, उनका flesh खाते, उनका मांस खाते हैं. Okay? यहाँ पर है राइट पी फॉर प्लांट ईटर. प्लांट ईटर है उनके लिए पी लगाना है. एंड एफ फॉर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. और जो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनके ऊपर एफ लगाना है. तो हम यहाँ पर ये आपको खुद करना है चिल्ड्रन, कि इसमें से कौन सा है कि जो प्लांट्स खाते हैं और कौन है जो लीव्स और वो सब खाते हैं. फ्लैश एनिमल्स और प्लांट ईटर कौन है वो आपको खुद करना है. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पेज. यूजेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स हमको क्या उपयोग में आते हैं? एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. एनिमल्स हमको बहुत उपयोग में आते हैं. दे गिव्स अस मैनी थिंग्स. वो हमको बहुत सारी चीजें देते हैं. एंड ऑल्सो हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. और हमको बहुत मदद, अलग अलग प्रकार से हमको मदद भी कर हो, मदद में भी आते हैं. एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. हमको बहुत उपयोगी होता है. दे गिव्स अस मैनी थिंग्स एंड ऑल्सो हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. हमको अलग अलग प्रकार में भी वो उपयोग में आते हैं. जैसे हॉर्सेस एंड बुलॉक्स पुल कार्ड एंड वेगन्स दे. ओके, यानी बुलॉक कार्ड देखो ये कैरी कर रहे हैं. तो हॉर्स और बुलॉक वो सब हमको कार्ड, जो हमारा कार्ड होता है वो घोड़ा गाड़ी, गाड़ी जो होती है ना वो खींचने में मदद करते हैं. दे कैरी हैवी लोड्स फॉर अस. वो हमारे लिए हैवी लोड्स, यानी भार वालों, यानी जो बहुत हैवी होते हैं, वजन वाले होते हैं, वो सारे वो उठाते हैं. हैंस एंड डक्स. हैंस एंड डक्स ले एग्स. ले यानी देना, ले यानी देना. एग्स देते हैं. क्या देते हैं वो? हैंस एंड डक्स एग्स देते. एग्स आर गुड फॉर अवर हेल्थ. एग्स हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है. सी चिल्ड्रन, ये जो नॉनवेज खाते हैं, यानी जो एग्स खाते, अभी एक तो वेजिटेरियन में आ गया है, बट एग जो खाते हैं वो यानी अच्छा होता है वो खाने के लिए. Eggs are good for our health. Cows, goat and buffaloes give us milk. Cow, goat and buffalo हमको क्या देते हैं? Milk देते हैं. ये hens और duck हमको क्या देते हैं? Eggs देते हैं. जो eggs खाते हैं वो उनके लिए उपयोगी होता है.
शिप गिव्स अस वूल, जो शिप होता है ये देखो ये रहा, ये हमको क्या देता है वूल. वूल इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ. वुलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़े, जो स्वेटर मफलर सब होता है ना, तो उससे बनता है. शिप गिव्स अस वूल, वो हमको ऊन देता है. वूल इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ, वो वूल किसके काम आता है कि वुलन क्लोथ बनाने के लिए. वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स, हम लोग यानी जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज खाते हैं वो क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं. ऑफ एनिमल, एनिमल्स का मीट भी खाते हैं. सच एज हैंस एंड गोट्स, यानी हैंस का और गोट का जो मीट है ना, वो भी जो नॉनवेज खाते होते हैं वो लोग ये खाते होते हैं. तो हमारे लिए ये भी एक उन जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एनिमल इस तरह से भी यूज होता है. डॉग्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल. सी चिल्ड्रन, डॉग की ना स्मेल करने की सेंस बहुत ही अच्छी होती है. दे गार्ड ऑफ अवर होम, यानी वो हमारे घर के गार्ड होते हैं. गार्ड यानी रक्षा करने वाला. ओके, कैट्स कीप माइट अवे. ओके, वो कैट को और उंदर को, यानी जो उंदर होते हैं ना माउस, उसको दूर रखते हैं. हमारी हमारे गुड फ्रेंड होते हैं ये. हनी बीज मेक हनी. हनी बीज हमने जो देखा ना, बीज का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें देखा था हनी बी क्या देती है हमको, हनी, वो भी हम खाते हैं. फॉर अस हनी इज गुड फॉर अवर हेल्थ, हनी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. हनी बी विजिट्स 50 to 100 फ्लावर्स ड्यूरिंग अ कलेक्शन ट्रिप, यानी जब भी वो कलेक्शन करने निकलती है तो कितने फ्लावर्स विजिट करती है, 50 to 100 फ्लावर्स वो घूमती है, तब जाके वो थोड़ा सा जो जूस होता है वो लाती है. वैगन, अ व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, उसको वैगन बोलते हैं. Now turn your page. We get silk from silk worms. हमने ये भी पढ़ा कि जो सिल्क, जो कैटरपिलर होती है वो अलग टाइप की होती है. वो अपना घर बनाती है. वो जो उसमें जो एक लिक्विड जैसा निकलता है, वो जो ड्राई हो जाता है, फिर उसमें से हम सिल्क बनाते हैं. तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का कीड़ा होता है उससे हम सिल्क खाते हैं, सिल्क बनता है. अ सिंगल सिल्क वॉर्म कैन प्रोड्यूस अप टू 15 meters ऑफ फैब्रिक इन अ मिनट. ओके, देखो सी, मिनट में वो 15 meters हमारे लिए इतना वो सिल्क वो बनाती है. वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. सो डेड एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसकी स्किन यानी उसकी चमड़ी से हम क्या बनाता है, लेदर बनता है. वो भी हमने पढ़ा है. सच एज कैमल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल. स्नेक की भी उससे तो पता है ना आपको, उसकी इसका जैकेट बनता है, बेल्ट बनता है. क्रोकोडाइल है. लेदर इज यूज टू मेक शूज, पर्स, बेल्ट, बैग. लेदर कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जैकेट भी बनता है, शूज बनाने में होता है. लेदर के शूज हम पहनते हैं ना, पर्स, लेदर का पर्स भी होता है, लेदर के बेल्ट होते हैं, लेदर के बैग्स होते हैं, लेदर के जैकेट होते हैं. ओके, तो एनिमल्स ऐसे भी यूज होते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स से. मारकर हम स्पेशली मारते नहीं है, जब मर जाते हो एनिमल्स तब उनकी स्किन ले लेते हैं और वो स्किन हम इस तरह से यूज होता है. चूज द राइट वर्ड. डॉग कैट गार्ड अवर होम, कौन करता है, डॉग. काउ गिव्स अस एग्स और मिल्क, मिल्क देता है. शीप हैंस गिव अस वूल, कौन हमको हैंस देती है कि शीप देता है, शीप देता है. हॉर्सेस हैंस हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स, हैवी लोड्स कौन कैरी करता है, तो हॉर्सेस. ओके चिल्ड्रन, यानी प्रोटेक्टिव एनिमल्स, जो प्रोटेक्ट करते हैं वैसे एनिमल्स. ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ, जो भी लिविंग थिंग्स है उनको राइट है यानी उनका हक है
कि वो अर्थ पर रह सके. सो वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स. हमको उनकी तरफ दया भावना, काइंड यानी हमको थोड़ा सा दया भावना उनके ऊपर रखनी होती है. उनको बहुत यानी मारना नहीं चाहिए वैसे. वी शुड नॉट डू थिंग्स दैट हार्म देम. हमको ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए कि उनको हार्म यानी उनको ठेस पहुंचाए, उनको हर्ट करे. वी शुड नॉट यानी नहीं करना चाहिए. नॉट डू, डू यानी करना. वी शुड नॉट डू थिंग्स यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो उनको हार्म पहुंचाए, उनको नुकसान पहुंचाए. वी शुड नॉट कट डाउन फॉरेस्ट. वी शुड नॉट, वापिस शुड यानी नहीं करना चाहिए. प्रेशराइज है कि ये हमको करना नहीं ही है, उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं. वी शुड नॉट कट यानी हमको कट नहीं करना चाहिए. क्या? फॉरेस्ट यानी जंगल को नहीं कट करना चाहिए. एज दे आर अ होम ऑफ मैनी एनिमल्स. देखो स्विट्जरलैंड जो फॉरेस्ट है ना, बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स का घर है. तो वो फॉरेस्ट हमको कट करना नहीं चाहिए. एनिमल्स बिकम होमलेस व्हेन वी कट डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट. स्विट्जरलैंड बहुत सारे एनिमल्स है जो ट्री पर रहते हैं. हम ट्री कट करते तो उनका घर चला गया ना, वो फिर कहाँ रहेंगे, है ना. तो हम ट्री और वो सब कट करते तो हम एक तरह से बहुत सारे बर्ड्स का, एनिमल्स का घर तोड़ रहे हैं हम लोग. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड देयर होम्स. हमको उनके घर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए. वी शुड नॉट किल और हर्ट एनिमल्स. हमको मारना नहीं चाहिए और उनको हर्ट, मारना यानी मार देना वाला, और हर्ट यानी हमको उसको ऐसे कोई नहीं लात मारता है, धक्का मारता है वैसे. फॉर अवर बेनिफिट. ओके, हमारे बेनिफिट के लिए वो हमको हम उनको मारना, हमारे फायदे के लिए उनको हमको मारना नहीं चाहिए, ना मार देना चाहिए. ओके, और फॉर अवर एन्जॉयमेंट, हमारे एन्जॉयमेंट के लिए, हमको आनंद आए, हमको हमारा बेनिफिट हो, उसके लिए हमको किसी भी एनिमल को मारना नहीं चाहिए और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए. वी मस्ट गिव प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर टू अवर पेट्स. यानी हमारे घर में जो पालतू एनिमल्स है उनको प्रॉपर फूड देना चाहिए और क्लीन वाटर देना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पेज 155. यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है. राइट एंड इंटरेस्टिंग स्लोगन, यानी कोई भी एक स्लोगन लिखना है ऑन सेविंग एनिमल्स. कोई एक पूरा सेंटेंस जैसे लिखना है सेविंग एनिमल्स पर. ओके, वो आपको लिखकर देना है. टेक राइट द करेक्ट सेंटेंसेस. सेंटेंस कौन सा राइट है उसके ऊपर राइट करो. फॉरेस्ट आर होम फॉर मैनी एनिमल्स. जंगल बहुत सारे एनिमल्स का घर है. राइट पे वी कैन किल एनिमल्स फॉर अवर फन. हम हमारी मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हम एनिमल्स को किल कर सकते हैं. वे रॉन्ग है, ये गलत बात है. वी मस्ट गिव डर्टी फूड टू पेट्स. हमको गंदा फूड देना चाहिए पेट को, भाई सही है? नहीं भाई, गलत है. वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन फार्म, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. जो फार्म में रहते हैं उनको डोमेस्टिक, फॉरेस्ट में रहते उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. प्लांट ईटर, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स. प्लांट्स कौन? प्लांट ईटर यानी जो प्लांट खाते हैं वो. एनिमल्स दैट, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट लीव्स एंड ग्रास, उनको क्या बोलते हैं? प्लांट ईटर. फ्लैश ईटर्स, एनिमल्स दैट हर्ट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. यानी एनिमल्स को मारते हैं और उनके फ्लैश को खाते हैं, उनको फ्लैश ईटर्स बोलते हैं. स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. जो मरे हुए एनिमल्स को फ्लैश खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं. Now I know.
अवर अर्थ इज द होम टू मेनी काइंड ऑफ एनिमल. अभी आपको पता चल गया है ना कि बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है हमारी अर्थ. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं. सम ईट फ्लैश, कुछ मांस खाते हैं. एंड सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, और कुछ खाते हैं मरे हुए एनिमल्स की मांस खाते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. वी देम सम एनिमल्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. वी शुड सेव एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट देम. हमने वो भी पढ़ा कि एनिमल्स को बचाना चाहिए और उनको उनकी रक्षा करनी चाहिए. नाउ टर्न द पेज. सी चिल्ड्रन, कल संडे है इसीलिए मैडम ये एक्सरसाइज ज्यादा दे रही है, तो क्वेश्चन आंसर हम सिर्फ बाकी रखेंगे, बाकी का सब हम अभी कर लेंगे. टिक, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी जो राइट है उसके ऊपर राइट करना है और जो गलत है उसके ऊपर गलत करना है. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, हम काउ से काउ के पास से हमको मिल्क मिलता है, राइट है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर राइट करना है. ओके, हैंस कैरी लोड फॉर अस, हैंस यानी मुर्गी हमारे लिए वजन उचक कर ले, वजन ले जाती है भाई, हैवी नहीं ना, गलत है. कैट्स गार्ड अवर हाउसेस, कैट होती है वो हमारे घर की रक्षा करती है भाई, ये भी गलत है. कौन रक्षा करता है? डॉग. फिर अ काउ लिव्स इन अ शेड, यस शेड्स में रहती है काउ. फिर वी मस्ट नॉट कट ट्री, हमको ट्री कट नहीं करना चाहिए, हाँ भाई राइट है. मैच द फॉलोइंग, हनी बीज क्या लाती है? हनी. शिप क्या देते हैं हमको? वूल. गॉट हमको क्या देती है? मिल्क. और सिल्क वॉर्म, और सॉरी गॉट हमको क्या देती है? गॉट का हम मीट, और ये सिल्क वॉर्म हमको सिल्क देता है. ओके, तो ये हमारे हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.